ओम शांति श्रीर का नाम मेरा बालक राम है हिमाचल प्रदेश तिश्क मंडी से मैं भ्योली सेंटर से बोल रहा हूँ ये ज्ञान जो मुझे मिला 2010 में मिला और जब ये गान ज्ञान सुना तो बहुत अच्छा लगा मेरे को हम भक्ति मार्ग में पहले भक्ति ये बहुत अच्छी करते थे धूबत्ती करते थे भगवान को पूजते थे कृष्ण को पूजते हैं राम को हैं गणपति को पूछते थे सब भगवान मानते थे परंतु यहाँ पता लग गया कि वो तो भगवान है नहीं वो तो इंसान थे तो भगवान कौन था और मैं कौन हूँ उसकी भी थोड़ी पहचान मिली मेरे को मैं समझा भी कोई मैं इंसान हूँ मैं ये बालक हूँ मैं ये मेरा ख़ानदानी पैसा है परंतु जब पता लगा इस ज्ञान से मैं जो भी मैं एक आत्मा हूँ ना कि शरीर हूँ तो आत्मा के हिसाब से बड़ा फील हुआ मेरे को और मेरा लड़का था वो भी मेरे चालीस साल का गुजर गया जब मेरे को याद आती था मेरे को बिल्कुल पसीना से पसीना का बिल्कुल हार्ड ऐसा हो जाता था बिल्कुल नाजुक हो जाता था परंतु जब मेरे आत्मा का ज्ञान मिला और बता लगे भी इंसान तो बॉडी जाती है ना कि आत्मा जाती है आत्मा दूसरा जन्म लेती है तीसरा लेती है तो मैंने सोचा भी मेरे लड़का तो जीता है मेरा लड़का जीता है वो तो कहीं अपना पाठ बजा रहा है मैं मैं ये, ये दुखी हो रहा हूँ फिर उसके बाद मेरे को ये ज्ञान मिला है अभी मेरे घर में सेंटर पाठशाला भी खुली है मैं पाठशाला पाठशाला भी चलाता हूँ सात आठ आत्मा आती है बस उसके हिसाब से मैं कुछ भगवान का ज्ञान जय मिले है मैं बड़ा भाग्यशाली आत्मा हूँ और मैं इस ज्ञान को जिंदगी भर अपने पर करना चाहता हूँ और बाबा का पहचान मिली बाबा मेरा चौबीस घंटे मेरे साथ है वो तो एक आत्मा है वो भी आत्मा है परम है वो सुप्रीम है ताकतवर है परंतु हमारे को तो ये पता नहीं था जब यह पता कि आप भी, भी आत्मा है वो भी आत्मा है पर वो परम है वो सुप्रीम है ताकतवर है तब उसको परम आत्मा बोलता परमात्मा का परंतु अब पाठशाला मैं चला रहा हूँ भाई बहने आती हैं वो ज्ञान देता हूँ मैं एक अपने पाठशाला के साथ में एक शिवलिंग भी तैयार किया है और वहाँ मेरी सेवा काफ़ी अच्छी हो रही है सो रोड साइड के साहब सो रोड में जो भी आदमी आते हैं जो भी भाई आता है उसको नमस्कार करते ही जाता है और तो कुछ ज्ञान सुन लेता है तो थोड़ा ज्ञान थो थो समझा लेता हूँ तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगा ये ज्ञान बहुत मैं तो दु... आम भाइयों बहनों को भी बोलता हूँ पीस इस ज्ञान में आओ समझो और की स्थापना हो रही है कलयुग जाने वाला है सत्युग आने वाला है कुछ अपने अंदर धारण करो और कुछ करके जाओ तो चलो वही वो तो अपनी भाग्य की बात है किस किसी भाग्य नहीं है तो वो नहीं आते हैं बाकी जो मेरे को पहचान मिली है तो मैं तो उसमें खुश हूँ तो अब बाबा जाने मैं जाने मेरा भाग्य जाने तो बस यही मैं थोड़ा ये बोलना चाहता हूँ बस ओम शांति